वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे यहाँ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट में रिलेशनशिप बिटवीन टीपी टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। यहाँ दो रिलेशन के बारे में बात करेंगे, टीपी का एमपी के साथ और एपी का एमपी के साथ रिलेशन किस तरीके से कर्व यहाँ पे डिनोट होता है। प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में, आज हम बात करेंगे यहाँ पे रिलेशंस के बारे में कि टीपी एपी और एमपी का क्या रिलेशंस यहाँ पे डिनोट होता है। जब भी हम कर्व यहाँ पे बनाते हैं तो सबसे पहले बात ध्यान रखनी पड़ती है कि जो प्रोडक्शन का कर्व बनता है उसमें तीन टाइप जो है प्रोडक्शन है वो किस तरीके से एक दूसरे से रिलेशन डिनोट करते हैं, ये भी हमें समझना जरूरी है। पिछले वीडियो में हमने बात करी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में, जो इनपुट और आउटपुट का रिलेशन बताते हैं और वेरिएबल फैक्टर फिक्स फैक्टर को कंबाइन करके किस तरीके से यहाँ पे प्रोडक्शन में वेरिएबल प्रोपोर्शन शो होता है, कैसे कैसे वेरिएबल फैक्टर चेंजेस आते हैं, किस तरीके से एमपी डिक्लाइन होता है, क्या रेट होती है इंक्रीजिंग रेट, कांस्टेंट रेट, डिक्रीजिंग रेट, इसके बारे में पढ़ा था। आज हम इनके रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर जो फर्स्ट है कि रिलेशन टीपी और एमपी का क्या है। अगर देखा जाए तो टीपी जो होता है वो इंक्रीजिंग रेट के साथ बढ़ता है, इंक्रीजिंग रेट के साथ इंक्रीज होता है, और एमपी जैसे ही टीपी इंक्रीज होता है वो ही यहाँ पर एमपी भी इंक्रीज होता है साथ में। जब एमपी डिमिनिशिंग होता है यानी कि टीपी इंक्रीज तो हो रहा है बट उतनी स्पीड से नहीं हो रहा जितना पहले हो रहा था। व्हेन एमपी इज इक्वल टू जीरो यानी कि एमपी जब जीरो है तो टीपी और में कोई एडिशन नहीं होगा, यानी कि एमपी जब जीरो है तब टीपी में कोई एडिशन नहीं होगा। टीपी कॉन्स्टेंट रहता है यानी कि टीपी चेंज नहीं होगा और टीपी मैक्सिमम पॉइंट पर आएगा। फोर्थ पॉइंट है जब एमपी नेगेटिव होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव होगा तो टीपी यहाँ पे डिक्लाइन करना शुरू कर देता है, यानी कि जहाँ पे कांस्टेंट रुक गया था वहाँ से ही वो डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देगा। ये रिलेशन है टीपी और एमपी का। तो हमने चार बातें समझी इसके अंदर, टीपी इंक्रीजिंग रेट के साथ इंक्रीज होता है, एमपी भी इंक्रीज होता है, जब एमपी गिरता है तो टीपी इंक्रीज होता है बट उतनी स्पीड से इंक्रीज नहीं होता जितना पहले हो रहा था, यानी कि डिमिनिशिंग रेट के साथ इंक्रीज होता है। जब एमपी जीरो होता है तो टीपी यहाँ पे कोई एडिशन नहीं होता और टीपी मैक्सिमम होता है, और जब एमपी नेगेटिव होता है तो टीपी स्टार्ट डिक्लाइनिंग, टीपी यहाँ पे डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है। सो हमने क्या देखा कि नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि इसके पॉइंट्स क्या है। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो यूनिट्स ऑफ लैंड फिक्स फैक्टर के साथ यहाँ पे है, वन पॉइंट भी ले रखा है तो सारे यहाँ पे जो जितने ही पॉइंट है उस पर वन ही रहेगा। वेरिएबल फैक्टर लेबर जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय जीरो से इंक्रीज होके बढ़ रहे हैं। एमपी जो है वो टीपी के अंदर चेंज बताता है, टीपी पहले जीरो था तो एमपी जीरो था, टीपी पहले जीरो से सिक्स हुआ तो एमपी कितना चेंज आया सिक्स, टीपी सिक्स से ट्वेंटी हुआ तो एमपी फोर्टीन का चेंज आया ट्वेंटी माइनस सिक्स। इस तरीके से टीपी जैसे जैसे बढ़ता रहेगा एमपी उसमें चेंज बताएगा। ये हम पहले बात कर चुके हैं कि एमपी और टीपी का क्या रिलेशन है। जब टीपी को डिवाइड कर देंगे हम यहाँ पे डिवीज़न करेंगे लेबर के साथ तो हम क्या गेट करेंगे यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट क्या यानी कि टीपी को जब हम डिवाइड करेंगे लेबर के से तो हमारा क्या निकलेगा एवरेज प्रोडक्ट यहाँ पे कैलकुलेट होगा। इस तरीके से एवरेज प्रोडक्ट हमने निकाला है टीपी अपॉन एल, सिक्स अपॉन वन सिक्स, ट्वेंटी अपॉन वन सिक्स अपॉन वन सिक्स, ट्वेंटी अपॉन टू टेन, फोर्टी एट अपॉन थ्री सिक्सटीन, सेवेंटी टू अपॉन फोर एटीन, इस तरीके से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे कर्व समझते हैं कि कर्व किस तरीके से यहाँ पे डिफाइन होगा। जब कर्व की बात की जाए तो टीपी का कर्व बिल्कुल इंक्रीजिंग रेट के साथ इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट पे यहाँ पे जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि फर्स्ट पे यहाँ पे सिक्स है, सेकंड पे यहाँ पे ट्वेंटी है, थर्ड पे यहाँ पे फोर्टी एट है, तो इस तरीके से टीपी बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर देखें तो सिक्स और सेवन पॉइंट के लास्ट में, सेवन पॉइंट पे टीपी मैक्सिमम हो चुका है जहाँ पे एमपी ज़ीरो माना जाएगा। सेवन पॉइंट पे टीपी क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा और एमपी यहाँ पे ज़ीरो माना जाएगा। फिर एट्थ पॉइंट पे यहाँ पे टीपी डिक्लाइन होगा और डिक्रीजिंग रेट के साथ डिक्रीज होगा। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन एपी और एमपी के बीच में। एपी इंक्रीज होगा तो एमपी तब भी ज़्यादा रहेगा एपी से, एपी डिक्रीज होगा तब एमपी कम हो जाएगा एपी से, एपी जब मैक्सिमम रहेगा तो एमपी इंटरसेक्ट करेगा उसको, कर्व को कट करेगा, और एपी जब कर्व कट करेगा एमपी तो यहाँ पे एपी और एमपी बराबर रहेंगे। एमपी में भी जीरो और नेगेटिव बट एपी कंटिन्यू टू पॉजिटिव, एमपी जीरो और नेगेटिव हो सकता है बट एपी पॉजिटिव यहाँ पे रहेगा। तो इसके अंदर हमने क्या समझा कि
जो एपी है हमारा वो एपी यहाँ पे स्टार्टिंग में दोनों का इनिशियल पॉइंट स्टार्ट होता है, लेकिन एमपी चेंज बता रहा है तो थोड़ा इंक्रीज़ होगा, एपी अपनी स्पीड से चलेगा क्योंकि वो एवरेज बता रहा है। एपी के गिरने की स्पीड यहाँ पे एमपी से कम होगी। ए पॉइंट पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पे यहाँ पे एमपी और एपी बराबर यहाँ पे शो होंगे, और जहाँ से चेंज होना चालू हो जाएगा एपी पॉजिटिव रहेगा टिल लास्ट तक, लेकिन एमपी यहाँ पे जब टीपी मैक्सिमम होगा तो ज़ीरो हो जाएगा, और एमपी यहाँ पे जब टीपी डिक्लाइन होगा जैसे कि हमने प्रीवियस में देखा है तो हाईएस्ट से टीपी का डिक्लाइन होने की वजह से एमपी यहाँ पे नेगेटिव जाएगा। तो ये हमने पढ़ा है कि जब टीपी एपी और एमपी तीनों एक साथ बनेंगे तो किस तरीके से रिलेशन यहाँ पे शो होगा एमपी और टीपी और एपी का। एमपी की स्पीड यहाँ पे एपी से ज़्यादा रहेगी गिरने की भी और बढ़ने की भी, और जब एमपी इंटरसेक्ट करता है एपी को तो यहाँ पे दोनों इक्वल रहेंगे, जैसे कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं ए पॉइंट के अंदर, कि ए पॉइंट के अंदर दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो इस तरीके से हमने बात करी रिलेशन टीपी और एपी एमपी की। इसका कंक्लूजन हम यहाँ पढ़ लेते हैं कि जो रिलेशन है टीपी जब मैक्सिमम होगा एमपी ज़ीरो होगा, टीपी डिक्लाइन होगा तो एमपी नेगेटिव जाएगा, एपी टीपी के एवरेज को बताता है लेबर के साथ कि एक लेबर ने कितना यूनिट यहाँ पे प्रोड्यूस करा है। इस तरीके से हमने यहाँ पे इनके कर्व को देखा है और इन कर्व को समझा है।